ओके जी, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ और उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के। अच्छा, आज आप लोगों का सेकंड लेक्चर है। मुझे जरा बताएं कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने उसे परफॉर्म किया? उर्दू वेबसाइट की एसईओ जी कर सकते हैं, उसमें उर्दू के कीवर्ड्स भी यूज होते हैं, लेकिन बहुत टफ है बिलाल, और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि आप उसको जो है वो कर सके। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इंग्लिश और वो चीजें यूज करनी पड़ती है। अच्छा, बस जी, दो तीन लोगों ने किया। गूगल एडसेंस से अप्रूव होना एक अलग बात है, ठीक है, और एसईओ होना एक अलग बात है। ये आप दो दो चीजों को मिक्स कर। अच्छा, आप लोगों ने सबमिट भी करवा दी है फेसबुक ग्रुप में। ओके, बस ये दो लोगों ने सबमिट करवाई है। अच्छा, ओके, ओके जी। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें आपको बताई थी कि आपने बिजनेस डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस थे वो आपने जो है वो पूछने हैं जो बिजनेस ओनर है उनसे। अब आज हम थोड़ी सी मजीद चीजें और कुछ टूल मैं आपको बताता हूं जो कि यूज होंगे आगे हमारे एसईओ के लिए, ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले जो भी वेबसाइट है आपको उस वेबसाइट का कुछ चीजें जो है वो नोट डाउन करनी होती है। अब सपोज करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट है जी मॉल ऑफ फिश .com। अब आप सबसे पहले जब इसको यूआरएल आप इसका टाइप करेंगे तो आपको यहां पर देखना होता है कि यूआरएल एसईओ फ्रेंडली है। देखिए, मॉल ऑफ विश, आपको क्लियर हो रहा है ये एक कीवर्ड भी है, मॉल ऑफ विश, ठीक है। अगर तो कीवर्ड नहीं भी है तो आप फिर कर ऐसे कुछ नहीं सकेंगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर कीवर्ड हो तो उसकी एसईओ बहुत अच्छी होगी। इसके बाद आपको जस्ट इस वेबसाइट को ओपन करना है और देखना है कि इसका लोड टाइम क्या है, ठीक है। तो लोड टाइम नॉर्मल है इस वेबसाइट का, ठीक है, ये एक चीज आपको चेक करनी है। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर कॉल टू एक्शन चेक करना। देखिए, कॉल टू एक्शन क्या होते हैं, जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स लगे होते हैं या जैसे ये बटन्स हैं, हैंडमेड है, एमओडब्ल्यू एक्सक्लूसिव है, जिधर क्लिक करके जो है वो आपका विजिटर जो है वो आपके दूसरे लिंक के ऊपर जाता है, या जो भी। देखिए, अब एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर जो है वो अपनी कंसल्टेंसी सेल करते हैं, ठीक है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बटन बना सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रही है तो वो गेट अ कोट का बटन वहां पर लगा देती है। फिर कॉल टू एक्शन जो है वो उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉल टू एक्शन होते हैं। प्राइमरी कॉल टू एक्शन क्या है कि जो कंपनी सेल करना चाह रही, और सेकेंडरी कॉल टू एक्शन क्या है कि उस सर्विस को सेल करने के लिए अगर कंपनी कोई फॉर्म फिल करवा रही है लीड्स जनरेट करने के लिए,
तो वो जो है वो कहलाता है सेकेंडरी कॉल टू एक्शन। ठीक है जी, अब ये आपको देखना है कि वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर कॉल टू एक्शंस वगैरह लगे हुए हैं। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि ये जो वेबसाइट है ये कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है या कंपनी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने बारे में तो नहीं बताया। हम अब जैसे ये मॉल है, देखिए मॉल के ऊपर मुझे जरूरत ही नहीं है अपनी कंपनी को बताने की, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि कस्टमर क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आता है तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लगा दी और अपनी मेन कैटेगरीज बता दी, अपना सोशल मीडिया यहाँ पर लिंक कर दिया, अपने पेजेस यहाँ पर लिंक कर दिए, दैट्स ऑल। ठीक है जी, और अगर मुझे अपनी कंपनी प्रोफाइल देनी भी होगी तो वो मैं दूंगा यहाँ पर लास्ट में, मैं पोर्टफोलियो ऐड करवा दूंगा और उसके अंदर मैं दे सकता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर कोई टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? रिव्यूज होते हैं। अब हमने जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल्स जो है वो हमने ऐड करवाए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, मेन पे नहीं ऐड करवाए, लेकिन हमें मेन पे भी एक सेक्शन रखना चाहिए था यहाँ पर कि जहां पर हमारे टेस्टिमोनियल्स शो हो रहे होते कि हमारा जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है वो हमारे बारे में रिमार्क्स दे रहा होता। ठीक है, ये भी चीज आपने चेक करनी। इसके बाद आपने चेक करना होता है कि ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, अब मोबाइल फ्रेंडली चेक करने के लिए आपको मोबाइल की जरूरत नहीं होती, आप यही जो क्रोम ब्राउजर है इसी के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए वो आप कैसे चेक करेंगे कि आप कहीं पर भी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट करें। अभी आपने इंस्पेक्ट कर दिया, अब इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहां पे लिखा हुआ है टोगल डिवाइस टूल बार, यहां पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे ये अपना वेबकैम ऑफ कर लें हसनैन इकबाल। ये देखिए यहाँ पर ये आईपैड है, यहाँ पर हम फोन भी चेक कर सकते हैं, सपोज आईफोन एक्स के ऊपर हमारी ये वेबसाइट कैसी नजर आती है। ठीक है, ये देखिए तो ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, देखिए मोबाइल के ऊपर भी इसका व्यू अच्छा है, बट ये थोड़े से गैप्स हैं, ये गैप्स नहीं होने चाहिए थे। ये देखें यहाँ पर भी एक गैप है, ये नहीं होना चाहिए था। ईमेल वगैरह और नीचे जो है वो सारा कुछ जो है वो प्रॉपर है, उसका कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मेन्यू जो है वो आप देखें कि मेन्यू भी प्रॉपर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोबाइल में भी आपको देखनी होती है। इवन आप यहाँ से चेंज करके देखे पिक्सल 2 पे देख सकते हैं कैसी है, उसके बाद आप देख सकते हैं आईपैड पे कैसी नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आईपैड प्रो पे कैसी नजर आएगी। ये देखें iPad Pro के ऊपर ये ऐसे नजर आएगी। ठीक है जी, चल तो मतलब ये वेबसाइट जो है ये मोबाइल फ्रेंडली है, ये भी आपने चेक कर लिया। इसके बाद गूगल बिजनेस का तो मैंने आपको बता दिया था कि गूगल बिजनेस भी आपने चेक करना है कि गूगल बिजनेस के ऊपर ये मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल मैप्स ओपन करेंगे। गूगल मैप्स के अंदर अब मैं मॉल ऑफ विश जो है वो टाइप करूंगा यहां पर। मॉल ऑफ विश तो ये जी अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये यहां पर है या नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इसको इसलिए नहीं किया कि हम इस प्रोजेक्ट को अमेरिका से लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको लोकल यहाँ पर अभी नहीं किया, और अमेरिका में अभी क्योंकि हमारी ऑफिस की जगह कंफर्म नहीं है, एड्रेस कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं डाला, लेकिन आपको ये नोट डाउन करना। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सोशल मीडिया चेक करना होता है। सोशल मीडिया आप कैसे चेक करते हैं वो आपको बता देते हैं कि वो आपने कैसे चेक करना है। ये देखें यहाँ पर आने के बाद ये देखिए नीचे फेसबुक है, फेसबुक आप ओपन करके देखें कि क्या इस कंपनी का फेसबुक मौजूद है। जी फेसबुक बिल्कुल मौजूद है इस कंपनी का। ठीक है जी, उसके बाद आप चेक करें कि क्या इस कंपनी का इंस्टाग्राम भी है, तो जी बिल्कुल इंस्टाग्राम भी है इसका। ठीक है, उसके बाद आप चेक करें कि इनका यूट्यूब भी है, जो जो लिंक्स इन्होंने दिए हैं वो तमाम मौजूद हैं या नहीं है। बिल्कुल है जी यूट्यूब। ठीक है, इसके बाद ये पेजेस हैं कुछ, ये पेजेस जो हैं ये होने चाहिए थे लीगली, तो इसका मतलब है कि
सोशल मीडिया भी इसका ओके हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक टूल यूज करते हैं, इस टूल को हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मुझे जरा बताएंगे। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स क्या है ये अभी आपको दिखाते हैं। अब आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट आपकी आज की क्या है कि आपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने रिसर्च करना है कि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आपको अपनी वेबसाइट उसके साथ कैसे अटैच करनी है। देखिए, गूगल एनालिटिक्स जो है वो एक कोड जनरेट करता है, वो कोड आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एम्बेड करना होता है। वो कैसे करना है, गूगल एनालिटिक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से जाके आपको इसको रीड आउट करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, तमाम लोग कर लेंगे, मुझे बताएंगे। नो क्यों जी, नो क्यों लिखा है रीमा आपने और रिजवान आपने। गूगल एनालिटिक्स जो है ये आपके जीमेल अकाउंट से ही लॉगिन होता है और इसके ऊपर कुछ मुश्किल नहीं है किसी भी चीज को, न्यू को ऐड करना। ठीक है, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोगों को सिंपल जो है वो पकी पकाई रोटी चाहिए, आप लोगों ने खुद से कोई मेहनत नहीं करनी है, मुझे जरा बताएंगे। इन्फिनिक्स क्या मतलब है, नो का एक्सप्लेन इन डिटेल्स का क्या मतलब, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं, आप कैसे बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स। भाई, अगर आप लोगों को एसईओ सीखना है तो एसईओ सीखने के लिए ये तमाम चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। तो आटा आपको दे रहे हैं ना, तो रोटी बनाओ, ठीक है। और जो असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये आप लोगों का पहला बैच है जो मुझे कह रहा है जी नो सर, ठीक है। एक चीज मुश्किल नहीं है तो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, अगर वो मुश्किल होती तो मैं आपके हवाले नहीं करता, ठीक है। आप लोग सिंपल गूगल के ऊपर भी नहीं लिख सकते हाउ टू क्रिएट गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, ठीक है। ये डिटेल पढ़ के भी आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ टू अटैच वर्डप्रेस वेबसाइट टू गूगल एंड हाउ टू ऐड, सॉरी अटैच लिख दिया, हाउ टू ऐड, ठीक है। इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स इन योर वर्डप्रेस या जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा, सबसे ज्यादा क्योंकि वर्डप्रेस की मिलती है, प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है। आपको अकाउंट बनाना है और आपको ये देखना है कि इसके साथ आप अपने वेबसाइट को इसमें कैसे ऐड करते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने हुमायूं के नाम से, ये हुमायूं के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये एक ब्लॉग है हमारा फूड का, वो मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। मॉल ऑफ विश हमारी वेबसाइट है, zambeel.pk हमारी वेबसाइट है, ये तमाम यहाँ पर अटैच की हुई है मैंने, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसका फायदा क्या है। अब आप लोगों में से कुछ लोग अभी जो है वो mallofwish.com को अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ओपन कर, मैं आपको दिखाता हूं कि ये गूगल एनालिटिक्स बेसिकली करता क्या। जी, ओपन करें अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर।
ये देखिए जी, ये आपको रियल टाइम ट्रैकिंग देता है कि अब आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, डिफरेंट जगहों पर जाएं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाएं, ठीक है? फिर मैं आपको कंप्लीट साथ साथ बताता जाता हूं कि ये क्या करता है। डिफरेंट पेजेस ओपन करें, आप लोग अभी सारे लैंडिंग के ऊपर बैठे हैं, ये देखें यहां पर ये आपको बता रहा है कि 6 लोग इस वक्त वेबसाइट पर हैं, उनमें से 5 होम पेज पर हैं और 1 जो है वो हैंडमेड की कैटेगरी में है। ट्रैफिक कहां से आई? लीड्स है कोई जगह, यहां से आई है, ये कोई वीपीएन यूज कर रहे होंगे। यहां पर आप देखेंगे ये कराची से आई, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है जी। ये देखिए जी, स्मार्टवेयर की कैटेगरी में बैठे हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर बैठे हैं, शिफॉन 2 पीस अनस्टिच्ड के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। अब ये जो साहब है जो लीड से हैं, आप जरा ऑफलाइन हो जाइएगा ताकि मैं इनको जरा फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, ठीक है जी, कराची, अगर आप इनको मजीद चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए आप हैंडमेड को ओपन करें। ये आपको बता रहा है कि इसके ऊपर 3 यूजर्स बैठे हुए हैं इस वक्त, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सोर्स गूगल है, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब आप इसकी लोकेशंस भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, देखिए रियल टाइम में लोकेशंस पे आप आ जाएं, ये देखें पाकिस्तान आपको शो करवा रहा है, पाकिस्तान में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें लाहौर और कराची। उसके बाद आप ट्रैफिक सोर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, अगर एड्स के थ्रू आ रही होगी तो एड्स लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है। कंटेंट आप चेक कर सकते हैं, ये देखें जी कहाँ पर आए हुए हैं, तो ये देखें ये हैंडमेड में है, 2 हैं, 1 मोबाइल से है, 1 डेस्कटॉप से है। इवेंट्स अभी हमने इसके क्रिएट नहीं किए हुए तो ये शो भी नहीं होंगे। अच्छा इवेंट्स आ रहे हैं जी इसके, रुके जी ये बढ़ना शुरू हो गई, अभी हमने ऊपर टैग कुछ सिलेक्ट किए हुए थे, तो ये देखिए जी 9 की ट्रैफिक है और कन्वर्जन, अगर कोई चीज आप जो सेल कर रहे हैं वो हुई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा चलिए अब आप लोग ऑफ कर दें इसको। अच्छा उसके बाद आप ऑडियंस भी चेक कर सकते हैं, ऑडियंस का आप ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस के ओवरव्यू के अंदर आप देखें कि बता रहा है कि यूजर कितने आए, न्यू यूजर कितने आए, सेशन कितने हुए, नंबर ऑफ सेशन पर यूजर कितने हुए, पेज व्यूज कितने हैं, पेज सेशंस कितने हैं, ये सारा कुछ बता रहा है। कंट्री आपको बता रहा है, सिटी बता रहा है, अगर आप कंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंट्री बता रहा है, देखिए पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, बहरीन, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये टोटल इतने की बता रहा है। सिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये आपको सिटी भी देखें, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, सियालकोट, नॉर्थ सेट, शिकागो, नॉर्थ सेट, मनावा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको बताएगा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, एंड्रॉइड। सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर है, ये नॉट सेट है, स्क्रीन रेजोल्यूशन बताएगा ये आपको, ये देखें 360x800, 320x568, ये डिफरेंट मोबाइल के डिफरेंट जो है वो स्क्रीन रेजोल्यूशन होती हैं, ये वो आपको बता रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक्टिव यूजर चेक कर सकते हैं, ये देखें ये आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम वैल्यू चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कुछ हमने मॉनिटर करने के लिए इसको नहीं दी है तो हम अभी यहाँ पर ये हमें शो नहीं करवा रहा, इसके लिए परमिशन देने पड़ते हैं, ठीक है। ऑडियंस आप चेक कर सकते हैं, ऑडियंस अभी ये नहीं बता रहा है, ये यूजर 1 ही बता रहा है। यहाँ से आप डेट भी सेट कर सकते हैं, सपोज मैं कहता हूं जी कि मुझे ये बताए
1 अप्रैल से, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा मैं। अब ये मुझे बताएगा यहाँ पर, ये देखें अभी इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। उसके बाद डेमोग्राफ आप चेक कर सकते हैं, इसका ओवरव्यू ले लें आप, यहाँ पर इससे रिलेटेड डाटा नहीं है, एज से रिलेटेड डाटा नहीं है, एज से रिलेटेड नहीं है। कुछ चीजें हैं जो हमने इस अकाउंट को अलाउ नहीं की हुई, ठीक है। तो आपने अब ये अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे वेबसाइट को यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद आपने ये तमाम ऑप्शंस चेक करने हैं कि एक्विजिशंस क्या हैं। देखिए एक्विजिशंस के अंदर बेसिकली अगर आप ओवरव्यू लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखे सोशल से ये ट्रैफिक आई, डायरेक्ट ये ट्रैफिक आई, ऑर्गेनिक सर्च ये है, रेफरल ये है, ठीक है। ऑल ट्रैफिक अगर आप चेक करना चाहते हैं, चैनल चेक कर लें आप, सोशल डायरेक्ट और ये सारा कुछ शो करवा रहा है। गूगल एड्स आप चेक करना चाहते हैं, कोई कैंपेन हम अभी रन नहीं कर रहे हैं, कीवर्ड्स में आप आ जाएं। तो कीवर्ड्स अभी हमने यहाँ पर कुछ खास यूज नहीं किए हुए हैं, इसलिए ये ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आप सर्च कंसोल में आ जाए, लैंडिंग पेज चेक कर लें, कितने लैंडिंग पेज हैं, ये आपको सेटअप करना पड़ता है, हमने सेटअप नहीं किया। कंट्रीज आप चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ जब आप सेटअप करेंगे तभी। सोशल ओवरव्यू कर लें, ये देखें जी शेयर्ड यूआरएल सोशल नेटवर्क, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फेसबुक से आ रही है। फेसबुक को अगर आप ओपन करते हैं तो ये देखें फेसबुक से किस किस लिंक के ऊपर ट्रैफिक आई ज्यादा, वो आपको यहाँ पर बता रहे। तो ये कंप्लीट टूल है आपकी वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए, जहां से आप ऑडिट कर सकते हैं कि किन किन पेजेस के ऊपर ज्यादा आई। अब जिन पेजेस के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आई, आप उन पेजेस के ऊपर ज्यादा काम करें, प्रायोरिटी बेसिस पे काम करें, ठीक है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप ये चीजें तो चेक करें, आप ये जो ऑप्शंस हैं इनको तो चेक करें। नहीं, लैंडिंग पेज और होम पेज में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, लैंडिंग आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जबकि होम पेज आपका एक ही होता है, ठीक है। ट्रैफिक एसईओ के थ्रू लाएंगे, पेड ट्रैफिक के लिए आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, गूगल एड्स को यूज कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपने एड्स रन करें, यहां से भी आप ला सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपनी पोस्ट को शेयर करके वहां से भी ला सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक लाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेन चीज है कि आपकी एसईओ, ठीक है। अच्छा, एक ये टूल हो गया गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। इसके बाद एक वेबसाइट है, उसका नाम है मॉज। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप मॉज बार क्रोम ये टाइप करेंगे, और ये मॉज बार क्रोम एक टूल है जो कि आप यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ये एम लिखा हुआ है, ये कर्सर आप देखें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। आपको फिर मॉज की वेबसाइट पर जाना है, moz.com के ऊपर, यहाँ पर जाके आपको साइन अप करना है, अपना आईडी क्रिएट करना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप यहां से साइन अप करेंगे, अपना आईडी क्रिएट करेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है वो देंगे, उसको लॉगिन करेंगे, तो ये फिर आपका माउस बार जो है ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब माउस बार आपको बेसिकली दो चीजें बताता है, एक डोमेन अथॉरिटी बताता है और एक पेज अथॉरिटी बताता है। देखें अब ये डोमेन है mallofwish.com, इसकी अथॉरिटी अलहदा होगी, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर सेल्स ओपन कर देता हूं तो सेल्स का क्योंकि एक पेज है तो सेल्स की जो अथॉरिटी है वो पेज अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। कि आपके देखें इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, एक तो उस घर की अथॉरिटी काउंट होगी, एक फिर उसके अंदर आप डिफरेंट रूम्स बनाते हैं, अब उन रूम्स की अथॉरिटी उनके बिहेवियर वाइज आप काउंट करेंगे कि कौन सा कमरा कितना जो है वो वेल डेकोरेटेड है, वेल मैनेज्ड है, ठीक है, उसके ऊपर आप उसको रैंक करेंगे।
अब स्टोर को आप मुझे जरा आंसर करें कि स्टोर को आप जो है वो बेडरूम के इक्वल रैंक कर अथॉरिटी दे सकते हैं, ये जरा मुझे बताएं भाई। ये जो आपके जिस तरह घर के अंदर कमरे होते हैं ना, ये सारे लैंडिंग पेजेस ही, और होम पेज आपका होता है जो कि फर्स्ट जब वेबसाइट ओपन होती है तो वहां पर जो शो होता है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट पेजेस की डिफरेंट अथॉरिटी होगी, और डेफिनेटली पेजेस की जो अथॉरिटी है वो डोमेन को भी मिल रही होती है, लेकिन डोमेन की एसईओ के ऊपर आपको अलहदा से भी काम करना होता है, जो कि ज्यादातर हम ऑफ पेज एसईओ से उसकी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं और ऑन पेज से भी करते हैं, लेकिन जो आपके पेजेस हैं पेजेस को हम कोशिश करते हैं कि हम ऑन पेज एसईओ से रैंक। ठीक है, अच्छा अब ये मॉज मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी वेबसाइट का जो मेन लिंक है वो आप यहां से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं मॉज को इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूं, moz.com। अब यहां पर आप फ्री एसईओ टूल्स के अंदर आएंगे और यहां पर आप आ जाएंगे, इधर आप अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे आप डोमेन को। अच्छा, इसके लिए अभी ये बोल रहा है कि कोई जायजा नहीं है। सपोज करते हैं जी कि हम यहाँ पर ये फ्री टूल्स के अंदर आपको लिंक एक्सप्लोरर में आ जाना है, और लिंक एक्सप्लोरर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर आप अपना लिंक पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप एनालाइज करेंगे। अभी ये नहीं दे रहा है क्योंकि 10 फ्री क्यूरीज ये आपको अलाउ करता है, और अगर वो 10 क्यूरीज आपकी गुजर जाएं तो फिर ये नहीं अलाउ करता। मैं किसी और वेबसाइट की, लाइक ये फेसबुक है, तो मैं आपको फेसबुक का दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें शो होती हैं। कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ चीजें आपको बता रहा है। एक तो ये डोमेन अथॉरिटी बता रहा है। डोमेन अथॉरिटी क्या है आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, पेज अथॉरिटी भी बताएगा जब आप अपने पास, ये देखें ये पेजेस की अथॉरिटी आपको बता रहा है, 100 100 100 100। ठीक है, डिफरेंट पेजेस की अथॉरिटीज। टॉप लिंकिंग डोमेन, कौन कौन से डोमेन से इसको बैक लिंक मिल रहा है वो ये बता रहा है। यूट्यूब, एप्पल, क्लाउड फ्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, लिंक्डइन, वर्डप्रेस, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है तमाम से इसने लिंक परचेज किया हुआ है या लिंक लिया हुआ है या फ्री लिंक लिया हुआ है। ये इंशाल्लाह जब हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म करते क्या क्या। उसके बाद ये देखें डिफरेंट कीवर्ड्स दे रहा है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक किया है, एस्टिमेटेड क्लिक्स आपको दे रहा है, टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स ये आपको दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये टॉप फीचर्ड स्निपेट्स हैं। ठीक है, हाउ टू डिलीट फेसबुक, ये कीवर्ड्स हैं डिफरेंट। ओन्ड, अगर ये वेबसाइट ऑन कर रही है तो ये आपको बता रहा है यस या नो। ब्रांडेड कीवर्ड्स कौन कौन से यूज कर रहा है वो भी आपको बता रहा है। ठीक है, और आपने ये कोशिश करनी होती है कि जो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं उनको ज्यादातर अपनी वेबसाइट पे यूज नहीं करना, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। और अगर यहाँ आप ब्रांडेड कीवर्ड देखें तो फेसबुक क्योंकि खुद एक ब्रांड है तो फेसबुक अपना कीवर्ड तो यूज कर सकता है ना। तो फेसबुक ने देखें यहाँ पर फेसबुक, एफ बी, फेस, facebook.com, फेसबुक लॉग इन, www.facebook.com और FAC। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के जो हैं वो यहाँ पर कीवर्ड शो करवा रहे। कीवर्ड रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा है। उसके बाद टॉप सर्च कंपिटेटर्स, ये इसके कंपिटेटर भी आपको बता रहे। ठीक है, play.google इसका कंपिटेटर है, खुद भी ये कंपिटेटर है, इंस्टाग्राम भी हालांकि इन्हीं का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद ये टॉप क्वेश्चंस जो इससे रेलेवेंट है ये भी आपको बता रहा है। क्लियर हो गया जी मॉज? मॉज को मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा, जरा कोई सी भी वेबसाइट के लिंक यहाँ पर पेस्ट करके आप लोग चेक कीजिएगा, लेकिन ध्यान कीजिएगा कि एक आधे को ही चेक कीजिएगा क्योंकि 10 की लिमिट्स होती है वन मंथ के लिए, तो आप उसको फॉरन से पहले कंज्यूम मत कीजिएगा, या अगर कंज्यूम हो जाती है तो फिर आपको डिफरेंट कंट्रीज के वीपीएन यूज करने पड़ते हैं और उन वीपीएन के थ्रू जो है वो आप इसको ट्रैक कर सकते। ठीक है जी,
क्लियर हो गया मुझे जरा बताएंगे? जल्दी करें स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं बेटा आप? ओके, इसके बाद एक टूल है, उसका नाम है मैजेस्टिक, majestic.com. मैजेस्टिक भी बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट करता है, लाइक ये देखें यहाँ पर मैं फेसबुक को ही यहाँ पर सॉरी ये है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, मैं जस्ट फेसबुक को डालता हूँ और सर्च करता हूँ. अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं. अब मॉस के अंदर था डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी. डोमेन अथॉरिटी देखिए, डोमेन एक अलहदा चीज है, डोमेन का अपना यूआरएल होता है और हर पेज का अपना यूआरएल. जितनी भी वेबसाइट के अंदर यूआरएल होते हैं वो अलहदा अलहदा रैंक होते हैं, तो हर एक की अथॉरिटी भी अपनी अपनी होती है. डोमेन अथॉरिटी क्या कहते हैं, जो हमारा मेन डोमेन है, जैसे हमारा mallofwish.com है, तो ये क्योंकि हमारा मेन डोमेन है इसकी अथॉरिटी को मॉज अलहदा काउंट करता है, और जो इसके अंदर पेजेस हैं जैसे हैंडमेड है, सेल है, न्यू अराइवल्स हैं, ये जो डिफरेंट पेजेस हैं या प्रोडक्ट के पेजेस हैं, उनकी अथॉरिटी अलहदा काउंट होती है. इसी तरीके से मैजेस्टिक आपको दो पैरामीटर्स दे रहा है, एक ट्रस्ट फ्लो दे रहा है और एक साइटेशन फ्लो दे रहा है. ट्रस्ट फ्लो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने जो परसेंट लोग ट्रस्ट कर रहे हैं. साइटेशन, साइटेशन का मीनिंग है हवाला, कि आपकी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस कितने लोगों ने अपने ब्लॉग्स के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसका ट्रस्ट फ्लो 99 है, साइटेशन फ्लो 100 है. उसके बाद ये आपको बता रहा है कि एक्सटर्नल बैकलिंक्स कितने हैं, जो बाहर से फेसबुक को बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो ये है. रेफरिंग डोमेन्स, इतनी वेबसाइट से इतने लिंक मिल रहे हैं. ठीक है, ये वेबसाइट्स की तादाद है और ये लिंक्स की तादाद. ठीक है, उसके बाद रेफरिंग आईपीज ये नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है. उसके बाद ये यूआरएल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये आपको डिफरेंट चीजें देखें यहाँ पर शो करवा रहा है, ये आपको एक्सप्लोर करना है. देखिए कीवर्ड्स दे रहा है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, इसको यूज करके देखना है कि मैजेस्टिक में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं. ठीक है जी, इसके बाद एक टूल है SEMrush. SEMrush को आप ओपन करेंगे और यहां पर भी आप वही वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और स्टार्ट नाउ आप करेंगे. ये बेसिकली सबसे पहले लॉगिन करवाता है, तो हम इसको यहां पर यूज कर लेते हैं. SEMrush सबसे पहले इन सब के ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे आप, तो ये आपको इसकी कुछ डिटेल्स देगा. वो डिटेल्स हम देख लेते हैं क्या क्या है. देखिए ये भी जो SEMrush जो रैंकिंग देता है वो है अथॉरिटी स्कोर. ठीक है, अब अथॉरिटी स्कोर ये इसको देगा. ठीक है, अभी ये लोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ. देखें 99 अथॉरिटी स्कोर है, और SEMrush के ऊपर अगर 20 से ऊपर अथॉरिटी स्कोर हो तो बहुत अच्छा काउंट होता है. ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक बता रहा है 3.6 बिलियन की ट्रैफिक है. पेड सर्च ट्रैफिक जो फेसबुक एड चलाता है उसके थ्रू 51.3 मिलियन आ रही है. बैकलिंक्स 47.6 बिलियन है. ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि यूएसए से सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद यूके, ये टॉप कंट्रीज हैं जहां से ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर. उसके बाद ये आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता रहा है, उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपटीटर्स भी आपको बता रहा है, उसके बाद ये टॉप पेड कीवर्ड्स बता रहा है जिनके ऊपर फेसबुक एड्स चलाता है. मेन पेड कंपटीटर जो ज्यादातर पेड कंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो ये आपको यहाँ पर बता रहा है. तो ये डिफरेंट चीजें और ये कुछ साइट के ऊपर ऑप्शंस हैं, ये भी आप एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं, कीवर्ड एनालिटिक्स आप चेक करेंगे, ओवरव्यू लेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, ये फ्री में नहीं दे रहा है, मार्केटिंग इनसाइट आपको दे रहा है, गैप एनालिसिस आपको दे रहा है, ये तमाम चीजें आपको एक्सप्लोर कर. ठीक है जी, ये जी फ्री में भी काम करते हैं, पेड में भी काम करते हैं. पेड में इनके फीचर ज्यादा हैं बिलाल, और फ्री के अंदर इनके कम हैं, तो
आपको ये चीज जो है वो अभी आप सिर्फ फ्री के ऊपर काम करेंगे, अभी आप पेड के ऊपर काम नहीं करेंगे। कैन वी गेट फ्री एस एम रश अकाउंट? जी बिल्कुल, आप जस्ट लॉग इन यहाँ से साइन अप करें, साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे डोमेन डालेंगे। देखें मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ, मैंने तो सॉरी ये देखें लॉग इन तो किया हुआ है, लेकिन मैंने ये मेरा पेड अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके बाद आज आपको मैंने 5 टूल बताए हैं, एक गूगल सॉरी 4 टूल्स बताए हैं, एक गूगल एनालिटिक्स बताया है, एक मॉज बताया, मॉज की एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल करेंगे, फिर मैंने आपको मेजिस्टिक बताया, और फिर मैंने आपको SEM रश बताया। अब ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है, ये आपका टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है। आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर वहां पे वेबसाइट कैसे ऐड करनी है उसका प्रोसीजर आप देखेंगे, उसके बाद जो जो उसके अंदर ऑप्शंस हैं वो आप चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मॉज के ऊपर आप DAPA चेक करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के, एक दो के उसके अलावा आप कीवर्ड वहां पर फाइंड आउट करेंगे, वहां पर आप टॉप लिंक्स देखेंगे, लैंडिंग पेजेस के जो लिंक्स हैं वो आप देखेंगे, इसी तरीके से मेजेस्टिक के ऊपर भी आप कीवर्ड देखेंगे, लिंक्स देखेंगे, आप उसके ऊपर साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें SEM रश के ऊपर, ये जो ऑप्शन है ऑर्गेनिक सर्चेज आप चेक करेंगे, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कीवर्ड्स कितने यूज किए, ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक की कॉस्ट कितनी है, ये देखें 99.5 मिलियन कीवर्ड्स है, ट्रैफिक जो है वो इन कीवर्ड्स के ऊपर कितनी है 579.9 मिलियन, टोटल अभी तक फेसबुक ने कितना बजट स्पेंड किया 461.3 मिलियन, ब्रांडेड ट्रैफिक कितनी है 219.2 मिलियन, नॉन ब्रांडेड कितनी है वो ये है, ये ट्रैफिक को बेसिकली यहाँ पर स्प्लिट किया गया है। टॉप कीवर्ड्स ऑर्गेनिक क्या है, टॉप पोजीशन चेंजेस क्या है, ठीक है, ये डिफरेंट चीजें हैं, टॉप पेजेस कौन से हैं, टॉप सब डोमेन्स कौन से हैं, मेन ऑर्गेनिक कंपिटिटर्स कौन से हैं, ये सब कुछ आपको बता रहा है, ये आपको चेक करना। इसी तरह आप बैकलिंक को खोल के चेक कर लेंगे, ये देखें जी रेफरिंग डोमेन्स 31.8 मिलियन है, और इन 38.1 मिलियन से बैकलिंक कितने आ रहे हैं 47.6 बिलियन, मंथली विजिट्स 28.8 बिलियन, कीवर्ड्स कितने हैं 384 मिलियन, ठीक है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो सारी आपको शो करवा सर, रहा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अनिला, सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। चलो ठीक है, ठीक है, बस अभी हम एंड करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग ये सारे टूल्स जो हैं ये एक्सप्लोर करेंगे, ये कमिट करें, जो कमिट करते हैं इधर कमिट टाइप करें चैट बॉक्स के अंदर। और इस कोर्स में एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों को पकी पकाई रोटी नहीं मिलने लगी मेरे से, ठीक है। अगर आप लोग SEO सीखने के लिए आए हैं तो एक चीज अपने माइंड में आज बिछा लें कि SEO जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च वर्क है, ठीक है। अगर आप लोग इतने काहिल हो जाएंगे कि आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप लोग SEO को नहीं सीख सकते, आप लोग आज यहीं से छोड़ दें, ठीक है। किसी भी स्किल को सीखने का मतलब ये होता है कि आपको उसके ऊपर मेहनत करना। हम आपको बेसिक्स बता सकते हैं, उसका जो प्रो लेवल है वो आप लोगों को खुद अचीव करना होगा। अगर आप लोग इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आज आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कल को आप लोग प्रोजेक्ट भी रैंक नहीं करने लगे, ठीक है। ये मैनुअल वर्क जो लोग SEO में करते हैं, देखिए बताने को मैं ये एक एक टूल आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के जिम्मे लगाने का मतलब क्या है कि आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आए, आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च आए। जो टूल आप लोग खुद जो है वो रिसर्च करेंगे, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि कल को आप वो वाले ऑप्शंस भूलने लगे। लेकिन आज जो मैं आपको लेक्चर में सिखा रहा हूं, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये वाले पॉइंट्स आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अपने ऊपर बर्डन मत बनाया करें। और मुझे आज इंतहाई दुख हुआ कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने फौरी तौर पे नो कर दिया बगैर कुछ सोचे समझे। तो आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो गेन करना, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग सीख भी नहीं सकते, ठीक है। और आज आप लोगों को मैं बताता चलूं कि SEO का मेरा कोई टीचर नहीं है,
मैंने किसी मेंटोर से एसईओ नहीं पढ़ी है, मैंने टोटल खुद से सीखी है, अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक किया है, और जितना काम आप लोगों को सिखा रहा हूं ये मेरी 6-7 साल की मेहनत है जो मैंने एसईओ के ऊपर लगाए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को भी आज मैं उसी चीज का देखे, जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है मैं भी आप लोगों को उसी प्रोसीजर के ऊपर लेके जा रहा हूं। सर मेरी न्यूज वेबसाइट है उर्दू में, उस पे अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, बल्कि उसमें ये करें कि आप उसमें एक इंग्लिश का सेक्शन भी जो है वो आप उसमें इंक्लूड करें। और इवन बिलाल अगर मैं आपको बताऊं तो आप उससे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप गूगल एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप ट्रैफिक को सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मीडियम है जहां से आप एक वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको मैं बताता चलूंगा, आप लोगों के कोर्स के अंदर है कि आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड पोस्ट कैसे सेल करनी है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट का बिजनेस आप लोगों ने कैसे करना है। ये अगर आप मेरे फाइवर को देखना चाहते हैं, इस फाइवर के अकाउंट के ऊपर मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल में। देखिए मैं यहाँ पर लिंक बिल्डिंग की, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट टाइप की गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज हैं, ये मैं सेल कर रहा हूँ और मैंने इससे ये अर्निंग की है 4 माह में। हालांकि $5 का सिर्फ जो है वो मेरा गिग है, ठीक है, और मैंने ये $3623 अर्न किए 4 महीने में इस एक अकाउंट से। आप लोग एसईओ को लाइटली मत लें, ठीक है। जो मेन अथॉरिटी देखे ये मॉल ऑफ विश है, मॉल ऑफ विश का ये मेन डोमेन है mallofwish.com। इसकी जो अथॉरिटी होगी वो डोमेन अथॉरिटी काउंट होगी, और इसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, लाइक सेल्स का पेज है, न्यू अराइवल्स का पेज है, उसके बाद MOW एक्सक्लूसिव का पेज है, हैंडमेड का, स्मार्टवेयर का, और इसी के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनके फिर अलग-अलग पेजेस हैं। तो मैंने आपको यही बताया है कि डोमेन अथॉरिटी आपके मेन डोमेन की अथॉरिटी होती है, और पेज अथॉरिटी जो उसके अंदर उस वेबसाइट के अंदर जो आपके डिफरेंट पेजेस होते हैं उनकी अथॉरिटी को पेज अथॉरिटी कहते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब आप लोगों के करने का काम क्या है कि आप लोग 4 से 5 दफा इस लेक्चर को रिपीट करेंगे, बार बार सुनेंगे, ठीक है, तो फिर आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली इस लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया। नहीं सॉरी बिलाल, अनम्यूट नहीं कर सकते हम आपको। सर मेरा ब्लॉग था जो मैंने छोड़ दिया था, मगर उस पर काफी वर्क हुआ है, और मेरे वो पोस्ट और वो डोमेन दोबारा, हाँ जी बिल्कुल, आप उसको अपडेट करके समीर, आप उसका कंटेंट अपडेट करेंगे, न्यू कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आप उसको रैंक कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जिंदगी बखैर, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए, आप लोगों को आफियत का मामला फरमाए, और आप लोगों को स्किल सीखने की तौफीक अता फरमाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं कॉल नहीं आपको बता नहीं सकी। ओके आप लोगों का सेशन एंड हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा।